जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ में ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता है। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है, किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी कौड़ी ना हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि रुपया पैसा। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आ सकती है, रुचि है और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं देते। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक कहा है श्री राजा भरत हरि जी ने, ठीक कहा है श्री भरत हरि जी ने। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्तता छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में होश नहीं है, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता। समय जो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती काम में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश चौपड़ खेल तमाशे में ही समय को लगा देते हैं। बीड़ी सिगरेट हुक्का चरस भांग आदि नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक में समय खो देते हैं। देखो, समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देरी हो रही है, केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर जी रहे हैं। जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है, इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती, यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है, कितने आश्चर्य और दुख की बात है। देखो, करोड़ों काम छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता। समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो यही है कि गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बचा है, उसी समय को सावधानी के साथ ऊंचे से ऊंचे काम में लगाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। नहीं तो आगे रोना पड़ेगा, नहीं तो आगे रोना पड़ेगा। आप कहेंगे, इतने दिन चले गए, अब क्या होगा। इसका उत्तर यह है कि अब भी निराश होने की बात नहीं है। जैसे कुएं में बहुत सी रस्सी चली जाती है, पर एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती है तो उससे
लोटे को कुएं से बाहर निकालकर जल पी लेते हैं, पर यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती, वह भी हाथ से छूट जाती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वह हाथ भर ही नीचे जाएगी। वह तो कुएं में नहीं, कुएं के जल के भी नीचे तह में चली जाएगी। फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, कांटा चाहिए। जब बहुत देर मेहनत करेंगे तब कहीं वह लोटा डोरी मिलेगी, नहीं तो बड़ी कठिनता है। ऐसे ही आज तक की आयु कुएं में गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई। किंतु अब जो थोड़ी बहुत उम्र शेष है उसे भजन में लगा दो तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधे।